हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है ना सैटरडे है और अभी जो है 12:15 बज रहे हैं एंड आज जो है ना मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं मेरा ये यहाँ पे बहुत दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ लग गया है। ये वाला जो है ना बहुत दुख रहा है और ये यहाँ पे दुख रहा है, बोलते जो ब्लैक वाला होता है ना ये बहुत दुख रहा है और सर भी बहुत दुख रहा है एक साइड से। बिल्कुल भी तबीयत जो है ना अच्छी नहीं है, बिल्कुल आवाज़ कम कर ना बेटा। देखो यहाँ पे बैठ के जो है ना कार्टून देख रही है, साथ में उपमा खा रही है। मम्मी ने जो है ना सुबह नाश्ते में उपमा बनाया था, मैंने कहा था मम्मी से कि आपके हाथ का उपमा खाना है, तो फिर आज नाश्ता जो है ना मम्मी ने बनाया और उपमा के साथ में मम्मी ने कॉफ़ी ले ली और एक एक सबके लिए मैंने हाफ फ्राई बना दिया था। इस तरीके से नाश्ता वगैरह हो गया और अभी तक मैं टप्पू को लेकर थी। टप्पू जो है ना यहाँ वहाँ कूदते रहता है, बहुत परेशान करता है, मतलब गोदी में ले लो ऐसा रहता है, या तो पास में बैठो तभी खेलता है वरना वो खेलता नहीं है। बहुत परेशानी हो जाती है आजकल उसके साथ में किसी भी काम को करना, यानी कि बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अभी जस्ट वो सोया है तो मैंने सोचा कि फटाफट से आके अपने ब्लॉग को जो है ना स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह से सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूँ बट नहीं हो पाया, तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। और वैसे भी मूड तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है और एक अजीब सा जो है ना डर सा लग रहा है, होता है ना खुशी भी डर भी। कल जो है ना टप्पू का बर्थडे, आज 14 अगस्त है, मुझे केक लेने जाना है, आज बलून्स वगैरह लाने हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं कल ही विवेक के साथ जाके बलून्स लाऊंगी, फिर विवेक जो है ना आज रात तक आ जाएंगे तो दिखाती हूँ इसी ब्लॉग में आप लोगों को, विवेक से भी मिलवाती हूँ। तो मुझे जो है ना यहाँ पे छाला भी आ गया है, आप लोगों को लग रहा होगा ना यहाँ से हल्का सा स्वेल्ड है क्योंकि यहाँ पे छाला आ गया है मुझे अंदर से। तो आज जो है ना रात तक विवेक आ जाएंगे, हाफ ड्यूटी करके आने वाले थे, विवेक भी आ जाएंगे आज रात तक, बट जो है ना उनके आने तक शॉप्स बंद हो जाएगी। तो आज रात में जो 12 बजे केक कट करेगा टप्पू, वो वाला केक मैं लेके आ जाती हूँ। सोच रही हूँ शाम को पैदल पैदल चले जाओ और लेके आ जाओ, और जो है ना कल के लिए केक जो है ना मैं बता के आ जाती हूँ उनको मुझे किस तरीके का चाहिए। अगर मिलता है तो मैं सोच रही हूँ थीम जो है ना ब्लू थीम है उसी इसमें केक उनसे बोलती हूँ, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कोई नहीं। तो अगर होता है तो देखते हैं, वही देख के आ जाती हूँ सोच रही हूँ मैं केक, और आज रात के लिए लेके भी आ जाती हूँ। तो अभी नहीं जाऊँगी, शाम को जाऊँगी। यहाँ पे दोपहर के टाइम पे केक नहीं मिलते हैं, बहुत अजीब सा रूल है यहाँ पे, उन्होंने मुझसे कहा कि शाम के टाइम पे मिलते हैं, तो शाम के टाइम पे जाऊँगी केक के लिए। अभी काम कर रही थी, सोच रही हूँ, मम्मी ने बर्तन घस लिए हैं और नहाने चली गई है मम्मी, तो मैं सोच रही हूँ मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं भी जाकर पिंकू को नहला के मैं नहा लेती हूँ। तब कुछ तब तक 2-3 काम निपट जाएंगे। तो चलिए अभी ये सारी चीज़ें करती हूँ एंड बाद में थोड़ी देर में आप सबसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी जो है ना रात का टाइम हो रहा है, 7:30 बजते आ गए हैं और मैंने जो है ना आफ्टर में बहुत सारे काम हो गए थे। यहाँ पे टप्पू का मम्मी का झगड़ा चल रहा है, मम्मी उसको दूर जाने के लिए बोल रही है, मम्मी काम कर रही है तो, और टप्पू मम्मी को जाने के लिए बोल रही है। दादा बोल रहे दादू कसा मानते माँ, वो मम्मी को बोल रहा है तू जा, मतलब तू जाओ करके बोल रहा है वो मम्मी को। तो आफ्टर में बहुत से काम हो गए, मैंने जो है ना हल्की हल्की सी अपनी थ्रेडिंग कर ली, मैंने ज़्यादा नहीं निकाला है, बहुत हल्का हल्का सा है, थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश किया, इस साइड से कम निकाले, इस साइड से अच्छा खासा निकल गया, और यहाँ से देखो थोड़ा सा क्लीन कर लिया मैंने, अब खुद से ही जो है ना थोड़ा सा करने की कोशिश किया तो ताकि थोड़ा चेहरा अच्छा लगे, और स्क्रब भी करना था मैंने बट नहीं किया है, देखते हैं बाद में करती हूँ, अगर सोते तक अगर टाइम मिला तो मैं स्क्रब कर लूँगी। और मम्मी को वगैरह जो है ना मेहंदी लगानी थी, डाई कराना था, डाई वगैरह करा दिया, और उसके बाद में जो है ना मैं गई थी केक लाने के लिए, तो मैं केक लेके आ गई हूँ और विवेक आ रहे हैं तो उनके लिए चिकन भी लेके आ गई हूँ मैं। मम्मी ने कहा कि चिकन भी लेके आ जाओ, विवेक अभी निकलने ही वाले होंगे, 7:30 बजते आ गए, अभी मैं उनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ वो निकले हैं या नहीं निकले हैं, और हम लोग अभी फटाफट से खाना चढ़ाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स 12 बज गए हैं एंड टप्पू का बर्थडे जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, तो 12:05 हो रहे हैं, हम लोगों ने टप्पू को विश कर लिया एंड आप लोगों के भी जो मैसेजेस है ना यूट्यूब के मेरे वीडियोस के ऊपर जो है ना आना स्टार्ट हो गए, इंस्टाग्राम पे भी जो है बहुत से लोग विश कर रहे हैं। सो ये रहा बर्थडे बॉय, अभी जो है ना हम लोग उसका केक स्मैश जो है ना वो करने वाले हैं एंड विवेक भी यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना सब लोग रेडी हो रहे हैं, बस विवेक रेडी नहीं हुए टप्पू को लेके थे, और इसको जो है ना नींद आ गई आज,
बरं, तो आपल्याला नाही कापायचं आहे, नाजूक कापणार आहे आपला केक, आपल्याला फक्त बघायचं आहे. तो जो है ना टप्पू को आज नींद आ रही है, क्योंकि आज टप्पू जो है ना शाम के टाइम में नहीं सोया था, वो थोड़ा जल्दी सो गया था, वरना रहा पढ़ना था ना, पढ़ना था. हाँ ये तो है ना, इसको पापा के पास जाना है. और यहाँ पे देखो मम्मी भी रेडी हो रही है. यहाँ पे जो है मम्मी रेडी हो रही है, वन साइड पल्ला वल्ला बना रही है मम्मी, यहाँ पे उनके जो है ना नाती का जो है ना बर्थडे केक जो कट होने जा रहा है इस वजह से. तो अभी जो है ना भाई भाभी नहीं आए हैं, वो लोग एक्चुअली ट्रेन में बैठ चुके हैं, आज रात की ट्रेन थी उनकी, सुबह तक वो जो है ना वो लोग भी पहुंच जाएंगे, सुबह 9-10 बजे तक वो लोग भी पहुंच जाएंगे, वरना आज अगर वो आ गए होते ना सब साथ में मिलकर किए होते ना और अच्छा लगा होता, मजा आया होता, मतलब घर के सारे लोग होते तो और अच्छा लगता था. तो चलिए मैं अभी केक स्मैश जो है ना वो जो है ना चालू करती हूँ, आप लोगों को इसमें थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी, इससे पहले जो है ना मैं छोटा वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगी.
मैंने जो है ना मोबाइल जगह पे लगाया, मोबाइल की कवर की पूरी बैंड बजा दी। मुझे ऐसे लग रहा है निकालूंगी तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने अपने दोनों हाथों में जो है ना इस तरीके से मेहंदी लगाई है। इसमें जो है ना थोड़ा सा डॉट डॉट किया है, इस पे नहीं हुआ, ये क्योंकि लेफ्ट हैंड से नहीं जम रहा था। तो जो है ना कभी घर में प्रोग्राम वगैरह होता है तो मुझे इस तरीके से लगाना बहुत पसंद है। मैंने टिपू के बर्थडे पे जो है ऐसे ही मेहंदी लगाई थी, और टिपू का बर्थडे जो टप्पू का नामकरण था ना, तब मैंने ऐसे ही मेहंदी लगाई थी। और आज मैंने ऐसे ही लगाई है, टिपू को भी ऐसे ही लगा दी, मम्मी को भी लगा दी है, और विवेक को जो है ना मैंने उंगलियों में लगा के यहाँ पे खाट लेके आरवी करके दे दिया है। तो इस तरीके से मेहंदी हम लोगों ने लगवा ली है। एंड टप्पू का जो है ना केक स्मैश जो है ना वो भी हो चुका है सारी चीज़ें, और वो वीडियो जो है ना अभी मैं इसको सूखने के लिए थोड़ा देर रखूंगी 10-15 मिनट, उसके बाद में जो है ना केक स्मैश वाले जो वीडियो मैं अभी की अभी एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, क्योंकि बाकी के वीडियोस तो लेट चल रहे हैं, बट कम से कम ये वीडियो तो मैं आपको टाइम पे दे सकूँ, ये मैं कोशिश करूंगी। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक का है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई इस ब्लॉग में, बहुत भाग दौड़ चलती है, काम घर पे एक छोटा सा भी प्रोग्राम होगा बहुत भागा दौड़ चलती है टाइम तक। और मेरी जो है ना साड़ी आप लोगों ने देखा होगा कुरियर में, अभी तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मेहंदी से दाग लग जाएंगे, तो आप लोगों ने कुरियर में देखा होगा विवेक जो है ना लेके आ गए थे कुरियर, मेरा मेरी साड़ी विवेक का शर्ट जो है वो लेके आ गए थे। तो बहुत अच्छी साड़ी आई है, मैंने पूरे तरीके से ओपन नहीं किया है क्योंकि सबको सोने में टाइम हो रहा है वैसे, तो कल मैं देखूंगी हाथ हाथ धुलने के बाद में। तो चलिए हम फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल का दिन सबके बर्थडे वाला ब्लॉग जो है ना मैं होपफुली जो है ना बनाने की कोशिश करूंगी, जितना हो सका छोटा क्यों ना हो सका, बट आप लोगों के लिए मैं बर्थडे वाला ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं कल के बर्थडे वाले ब्लॉग के साथ, बाय बाय।